मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर सीधी सिंगरौली की सांसद श्रीमती रीति पाठक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सभी लोग दिए गए निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोकल वोकल का उपयोग करें। मोदी सरकार का उन्होंने गुणगान किया, कहा कि मोदी सरकार ने इस लॉकडाउन के बीच हजारों श्रमिकों को ट्रेन बस के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया, मजदूरों के खाते में प्रति मजदूर 1,000 रुपए खाते में डलवाया। साथ ही जो भी मजदूर बाहर से अपने गाँव में पहुंचे हैं उनको मनरेगा के माध्यम से काम उपलब्ध कराया जा रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370, अयोध्या राम मंदिर 35A का ऐतिहासिक कार्य किया। अभी भी लोगों को सावधानी की जरूरत है, अभी भी खतरा टला नहीं है, इसीलिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहे। पत्रकारों के सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के सवाल पर सांसद रीति पाठक ने कहा, गेमन इंडिया को ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाह रहे थे लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। सीधी सिंगरौली रोड के लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, जल्द ही दूसरे टेंडर हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से हम लगातार संपर्क में हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सड़क बने।
इस तरह के इलाज के लिए आए हुए थे। आपने देखा किस तरह के